हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आसान तरीके से पीवीसी वॉलपेपर कैसे लगाएं। तो हम टेबल पर वॉलपेपर लगाएंगे। तो चलिए पहले पैकेज को ओपन करते हैं। ये वॉलपेपर वॉलपिन ब्रांड का है। देखने में वुड लुक जैसा दिखता है। मैंने इसको 159 रुपीस में बाय किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा। एक वॉलपेपर रोल का साइज 60 सेंटीमीटर विड्थ और 300 सेंटीमीटर लेंथ है। इस टेबल पर हम वॉलपेपर लगाएंगे। पहले इसके ऊपर क्लीन स्प्रे करेंगे, फिर इसको कपड़े से अच्छी तरह साफ करें। पहले हम टेबल की साइड्स की कटिंग करेंगे। ये कटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। वॉलपेपर के बैक पर ग्रिड लाइंस लगी हुई हैं, जिससे आप आसानी से कटिंग कर सकते हो और आपको मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से लगाने से बबल्स नहीं पड़ेंगे और लगाने में भी आसान होगा। तो इस तरह साइड्स पर लगाएं। साथ ही साथ फिंगर से ऐसे करें, जिससे अच्छी तरह टेबल से चिपक जाएगा और बबल नहीं पड़ेंगे। अब टेबल के ऊपर की ओर चिपकाएंगे। मैंने थोड़ा विड्थ में ज़्यादा कट किया था, क्योंकि टेबल की विड्थ ज़्यादा है और वॉलपेपर की कम है। तो ये एक साइड पर लग गया है। इस तरह दूसरी साइड पर लगाएं। हम सिर्फ तीन साइड पर ही वॉलपेपर लगाएंगे और फोर्थ साइड पर टेबल के ऊपर लगाने के साथ ही लगाएंगे। तो अब हम टॉप पर वॉलपेपर लगाते हैं। विड्थ ज़्यादा होने के कारण हम 2% लगा रहे हैं। वॉलपेपर को शुरू में अच्छे से इक्वल लगाएं, क्योंकि शुरू में इक्वल लगा होगा तो आगे टेबल पर सही तरीके से लग पाएगा। और 2% की मदद से लगाने के साथ बबल्स नहीं पड़ेंगे और वॉलपेपर लगाने में भी आसान हो जाएगा, साथ ही साथ समय भी कम लगेगा। तो ये देखिए, बिल्कुल इक्वल लग गया है। तो अब आगे लगाना भी आसान है। तो आप इस तरीके से लगाएं, जैसे कि वीडियो में हम लगा रहे हैं। ध्यान रहे कि रोल को इस तरीके से टाइट करके पकड़ें, जिससे कि बिल्कुल भी बबल्स नहीं पड़ेंगे। और वॉलपेपर की क्वालिटी भी अच्छी है। ये वॉलपेपर मल्टी यूजेस है। इसको हम वुड, प्लास्टिक, ग्लास, आयरन वॉल पर लगा सकते हैं। और ये वॉलपेपर वाटरप्रूफ, हीट रेसिस्टेंट, ऑयल रेसिस्टेंट भी है। ध्यान रहे कि न्यूली पेंटेड वॉल्स पर वॉलपेपर 1 मंथ के बाद लगाएं। ये ब्रांड की तरफ से रेकमेंडेड है। तो अब टेबल के टॉप पर वॉलपेपर अच्छे से लग गया है। तो साइड को कवर करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग वॉलपेपर कट करें। तो इस तरह वॉलपेपर को फिंगर से टेबल पर चिपका दें। और बाकी का नीचे की ओर फोल्ड कर दें। टेबल पर वॉलपेपर लग गया है। टेबल की लुक चेंज हो गई है।
और जो ये प्लांट्स पॉट देख रहे हो ये प्लास्टिक के थे। मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर लगाया है और इन पॉट्स की लुक भी अच्छी लग रही है। इस टेबल पर भी वॉलपेपर लगाया है। तो ये सारा था वॉलपेपर लगाने का आसान सा तरीका, इससे टाइम भी कम लगता है। आपको वॉलपेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।